सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। बढ़ते हैं खबर की ओर। बीजेपी कोर कमेटी की आज बैठक होगी, शाम को सीएम आवास पर मीटिंग बुलाई गई है। वहीं इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, केशव मौर्य मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की जाएगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी भी इस कोर कमेटी बैठक में शामिल होंगे। आज शाम को सीएम आवास पर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी उपस्थित रहेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, देखा जाए तो 2024 को लेकर लगातार बीजेपी रणनीति कर रही है और आज कोर कमेटी की बैठक है शाम में। मयूरी, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं, अपने संगठन को विस्तार कर रहे हैं, साथ ही साथ हर एक मोर्चे को मजबूत कर रहे हैं। उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी, बात की जाए तो नए प्रदेश अध्यक्ष आने के बाद लगातार 2024 की तैयारियों में धार देते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाए तो आज शाम भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक है, जो कि मिशन 80 के तहत ये बैठक होगी। बीजेपी ने अगर देखे तो चुनाव से पहले ही एक लक्ष्य तय किया है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 80 सीट हम अपने पाले में ले जाएंगे और इसके लिए लगातार वो इस पे काम कर रही है, बैठकें कर रही है, जिम्मेदारियां तय कर रही है। उसी को मैं आपको बताया कि आज मुख्यमंत्री आवास पर बैठक बुलाई गई है कोर कमेटी की। इस बैठक में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री, साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह शामिल है। इसमें अगर मयूरी देखा जाए तो लोकसभा के चुनाव से पहले जो तमाम प्रभारी है, साथ ही साथ पन्ना प्रमुख है, पर्चा प्रमुख है, इन सभी की जिम्मेदारियों को तय करने को लेकर यहाँ चर्चा की जाएगी। अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं देखे तो बीते दिन राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील बंसल आए थे और उन्होंने 2024 चुनाव को लेकर रणनीति तय की, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहां कहां कार्यक्रम कराए जाए, कहां कहां सभाएं कराई जाए जिससे चुनाव अपने पक्ष में किया जा सके, इसको लेकर सुनील बंसल तमाम दिशा निर्देश दिए थे। साथ ही उत्तर प्रदेश के भाजपा के अंदर में लगभग 40% सीटें रिक्त है। भूपेंद्र सिंह चौधरी अपना शपथ लेने के बाद, जब वो अध्यक्ष पद का शपथ लिए बीजेपी का, उसके ठीक बाद से वो सीट खाली है और लगातार बात की जाए तो चर्चाएं चल रही है कि जल्द से जल्द नई टीम का घोषणा होगा। तो माना जा रहा है कि कोर कमेटी के अंदर में इस बात पर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। और मयूरी, अगर देखे तो इस बार अगर भाजपा, अगर सुनील बंसल की बैठक से हम निकाल के देखे तो सुनील बंसल ने साफ शब्दों में निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश भाजपा की जो 40% रिक्त सीटें हैं उस पर युवाओं को तवज्जो दिया जाए। तो साफ तौर से कहीं ना कहीं 2014 और 2018 के मापिक दो युवाओं को फोकस करके भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव लड़ना चाह रही है और उस पर काम कर रही है। अगर देखें तो समाजवादी पार्टी और साथ ही साथ आरएलडी का गठबंधन पश्चिम से लेकर और मध्यांचल की बात की जाए, चाहे पूर्वांचल की बात की जाए, चाहे अवध क्षेत्र की बात की जाए, इन सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं वो गठबंधन का ऐलान कर चुकी है। वहीं बीजेपी अपने घटक दलों के साथ संवाद भी कर रही है। और बात की जाती इस कोर कमेटी में ये भी तय किया जाएगा कि प्रधानमंत्री, साथ ही साथ गृह मंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत जो स्टार नेता होंगे उसकी चर्चा की जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जहाँ प्रदेश भर के जो युवा कार्यकर्ता है वो नई कार्यकारिणी का जो रिक्त पद है उस पर नामों की घोषणा का संभावना लगाए आज बैठे हैं। जी विभांशु, यानी कि 80 सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस लिया है और बीजेपी की कोर कमेटी बैठक में यानी कि लोगों को जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। जी बिल्कुल, आपको बताया कि पार्टी में जो रिक्त पद है उसके नामों का ऐलान हो सकता है। साथ ही अगर बात की जाए तो आपने देखा कि 84 घंटा विधानसभा का सत्र चला, महज 36 घंटा बाधित रहा, 11 दिन का सदन चला, इसमें तमाम बजट के अंदर में चीजें निकल के आई, हर एक विभागों को नए नए जो उनके पैसे हैं, जो विभागों के बजट हैं
उसको भी कहीं गिराया गया, कहीं किसी बढ़ाया गया, इन विषयों पे भी चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ आपको बताएं कि लोक संकल्प पत्र यानी कि जो चुनाव से पहले मैनिफेस्टो जारी किया जाता है उसको जमीन पर कितना ज्यादा से ज्यादा उतारे इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। वही आपको बताएं कि बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मास्टर प्लान लगातार बना रही है और जो हारी हुई सीट है यानी कि नंदनी जो भी सीटें बीजेपी 2019 के अंदर में हारी है उसको कैसे जीता जाए, और बात करें तो जो जहां सहयोगी दल लड़े थे वहां क्या स्थिति है इस पर भी विचार विमर्श होगा। बात करें तो हारे हुई सीटों पर जो तमाम फायर ब्रांड नेता है भारतीय जनता पार्टी के उनकी रैलियां कराने को लेकर सुनील बंसल बीते दिन बात करते हुए नजर आए थे। अब देखने वाली बात ये होगी कि जहां एक तरफ तमाम बीजेपी के तमाम प्रयासों पर कितना सफलता मिलता है 24 में बताएगा, मगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव है और निकाय चुनाव को उत्तर प्रदेश के अंदर में लोकसभा चुनाव का सेमी फाइनल के तौर पर गिना जा सकता है। आपको पता है कि लगातार देखें तो भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को देखें या विधान परिषद के चुनाव को देखें लगातार सफलता पा रही है और भूपेंद्र सिंह चौधरी इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम इस बार 80 सीटें उत्तर प्रदेश में ले आएंगे, और उनका साफ कहना है कि उन्होंने मिशन 80 के तहत लगातार कई बैठकें कर चुके हैं और आज की कोर कमेटी में देखने वाली बात ये होगी कि किन किन विषयों पर पार्टी के जो तमाम रिक्त पद है उस पर किन नामों को चर्चा की जाती है। साथ ही जो मिशन 2024 है इसमें हारे हुए सीटों पर केंद्रीय मंत्रियों का कार्यक्रम, चाहे बात करें तो देश के प्रधानमंत्री का कार्यक्रम, ऐसे जो सीटें हैं उस पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। मयूरी अगर बात की जाए तो लगातार देखें तो 2014 से भारतीय जनता पार्टी का जनादेश बढ़ता हुआ नजर आया है, वहीं विपक्ष लगातार इसको रोकने में विफल रहा है, मगर देखने वाली बात ये होगी कि जहां भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के अंदर में पिछले विधानसभा से इस बार की सीटें कम है और बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर में प्रमुख विपक्षी दल बन के समाजवादी पार्टी उभर के आई, अब बीजेपी की जो तैयारी है मिशन 80 की वो चुनाव के बाद देखने वाली बात होगा कि कितनी सीटें निकली, मगर नंदनी आज की बैठक में किन विषयों पर किन बातों पर मुहर लगती है वो बैठक खत्म होने के बाद नजर आएगा। इस बैठक में अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, साथ ही साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना समेत कई भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता शिरकत करेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। आबकारी नीति घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की आज कोर्ट में पेशी होनी है, तो वहीं सिसोदिया आज दोपहर 2 बजे सीबीआई कोर्ट में पेश होंगे। केंद्रीय जांच ब्यूरो के मुताबिक एजेंसी मनीष सिसोदिया की हिरासत की मांग करेगी। बता दें कि सिसोदिया को उनकी 5 दिन की न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया जाएगा। वहीं सिसोदिया ने गिरफ्तारी के 1 दिन बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी के दौरान आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर सकती है। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन के लिए पूरी तैयारी कर रखी है, इसे लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ेंगे। विवेक, देखा जाए तो आज दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की आज कोर्ट में पेशी होनी है दोपहर 2 बजे। विवेक, हमारी आवाज आप तक जा रही है? तो वहीं आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। बता दें कि 5 दिन के रिमांड पर सीबीआई के तरफ से भेजा गया था, वहीं रिमांड खत्म होने के बाद आज कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई। आबकारी नीति घोटाले में गिरफ्तार है मनीष सिसोदिया, आज उनकी सीबीआई राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेशी है। बता दें कि मनीष सिसोदिया सत्यन जैन ने 27 फरवरी को इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। लगातार आबकारी नीति घोटाले में लगातार चल रहे
मामले को लेकर आज कोर्ट में पेशी है और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ेंगे। विवेक, आज मनीष सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है दोपहर के 2 बजे तक। देखिए नंदनी, 26 फरवरी को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री थे, उनको कथित शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ भी की गई। इसके बाद उनको अदालत में पेश किया, स्पेशल कोर्ट में पेश किया और 5 दिन की न्यायिक हिरासत जो है वो सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के लिए मांगी थी, जो आज शनिवार को खत्म हो गई है। इसके बाद जो है वो स्पेशल कोर्ट में सीबीआई अपनी बात रखेगी और तमाम तरीके की चीज़ें को लेकर मनीष सिसोदिया को अगले जो रिमांड है उनके लिए वो अपनी कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि सीबीआई ने अपने इस रिपोर्ट में बताया है कि मनीष सिसोदिया जो अभी भी टाल मटोल कर रहे हैं और सीबीआई उनकी बातों से और उनके सवालों के जवाब से संतुष्ट नहीं है। उधर जो है आम आदमी पार्टी ने लगातार जो है मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड को लेकर हर जगह पे जो है विरोध किया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्वास्थ्य भवन चौराहे पर भी विरोध प्रदर्शन का देखा गया था। इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और अरविंद केजरीवाल ने उनका इस्तीफा इसलिए मंजूर किया कि वो निर्दोष है और देश के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल का कहना था। लगातार भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ चला रही है और कह रही है कि दिल्ली सरकार जो विकास की बात करती है उसके शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जो है शराब घोटालों में वो लिप्त पाए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि जो पुरानी शराब एक्साइज ड्यूटी थी उसको जो बढ़ाया गया है और नई शराब नीति फिर लागू किया गया, उसके बाद इन शराब नीति को वापस ले लिया गया था। इसी मुद्दे को लेकर जो है सीबीआई ने सतन जैन को गिरफ्तार किया था जो कि तिहाड़ जेल में है। उसके बाद जो है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के ऊपर गाज गिरी और वो सीबीआई 5 दिन की सीबीआई रिमांड पे गए थे, जो आज पूरी हो जाएगी। दोपहर 2 बजे तो स्पेशल कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी होगी। विवेक, देखा जाए तो आज सबकी नजर इसी पे रहेगी कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आ सकता है। वही आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि उन्हें इस पूरे मामले में साजिश के तहत फंसाया गया है। जी, आम आदमी पार्टी शुरू से लगातार जब तो सतन जैन की बात हुई थी तब से जो कह रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि उन्हें इस तरह से फंसाया जा रहा है। जबकि आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप है कि पंजाब इलेक्शन से पूर्व जो है वो दिल्ली में नई शराब नीति लागू की गई ताकि कुछ व्यापारियों को ज़्यादा फायदा हो सके और उन पैसों से पंजाब के इलेक्शन आम आदमी पार्टी ने लड़ा। और हम सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, पूर्व बहुमत की सरकार है। इसके बाद 5 दिन की न्यायिक हिरासत में सीबीआई ने इनके रिमांड पर लिया था, बकायदा 5 दिन की आज सीबीआई की रिमांड पूरी हो गई है। स्पेशल कोर्ट में आज मनीष सिसोदिया के फिर से पेशी है। मनीष सिसोदिया के वकील ने जमानत की भी अर्जी दी हुई है। अब देखना होगा कि मनीष सिसोदिया को जेल मिलती है या नहीं, न्यायालय से उनको क्या जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदें उनको पूरी होती दिखती है कि नहीं, क्योंकि सीबीआई ने अपने एक हलफनामे में यह साफ बताया है कि मनीष सिसोदिया जो अभी भी टाल मटोल कर रहे हैं और आरोपों पे जो सवालात हैं जो जवाब है उससे सीबीआई जो है पूरी तरीके से खुश नहीं है। यहाँ तक कि मनीष सिसोदिया के कंप्यूटर को भी जब्त किया गया और उसमें देखा गया कि कुछ फाइलें जो है और डेटा जो है डिलीट किया गया है। उस कंप्यूटर को बाकायदा जो है साइंस लेबोरेटरी के फर्म में जमा कर दिया गया ताकि डिलीट किए गए फाइल और डेटा को दोबारा से प्राप्त किया जा सके और इस केस से जुड़ी जांच में इससे कुछ सहयोग भी प्राप्त हो सके। नंदनी जी, देखा जाए विवेक, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के इस्तीफे के बाद बच्चों की तरफ से एक चिट्ठी वायरल हो रही थी जिसको लेकर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने नियम का उल्लंघन किया है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की एक और मुश्किल बढ़ गई है। अजी, मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री थे और ऐसा आम आदमी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि किस प्रकार से सरकारी स्कूलों की कायाकल्प आम आदमी पार्टी की सरकार ने कर दी, जिसका पूरा जो श्रेय है मनीष सिसोदिया को जाता है क्योंकि शिक्षा मंत्री दिल्ली के थे और डिप्टी सीएम भी थे। इसके बाद लगातार बच्चों ने उनके समर्थन में बाकायदा बच्चों के पोस्टर जो है जारी किए, जिसके बाद बीजेपी समेत बाल संरक्षण आयोग ने भी इसका विरोध किया और इसका विरोध किया था और ये सही तरीका नहीं है ऐसा इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था। इसके बाद सीबीआई ने भी बाकायदा ये
पांच दिन की जो रिमांड खत्म हो गई, उसके बाद मनीष सिसोदिया पे आरोप लगाया कि इन्होंने बकायदा 4 फोन और 14 सिम कार्ड भी बदले हैं। इसके बाद देखना ये सबसे जरूरी होता है कि आज जब उनकी दोपहर 2 बजे स्पेशल कोर्ट में पेशी होगी तो उनके वकील जो है क्या कुछ तर्क रखते हैं मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर, क्योंकि सीबीआई फिर से अपनी रिमांड को लेकर अपनी स्पेशल कोर्ट में अर्जी देगी कि 5 दिन के रिमांड में वो मनीष सिसोदिया के जवाबों से संतुष्ट नहीं है, अभी भी उटाल मटोल कर रहे हैं और सीबीआई जो है इनके जवाबों से सहमत और संतुष्ट नहीं दिख रही है। तो सीबीआई एक तरफ रिमांड बढ़ाने की बात करेगी, वहीं मनीष सिसोदिया के जो वकील हैं वो लगातार इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को बेल हो जाए। दिखने वाली बात होगी मनीष सिसोदिया बेल होती है या फिर सीबीआई की रिमांड मनीष सिसोदिया के लिए बढ़ जाती है। नंदनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। तो वहीं पर खत्म होने के बाद आज मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी है, आबकारी नीति घोटाले में गिरफ्तार है मनीष सिसोदिया। बढ़ते अगली खबर की ओर, प्रदेश को जल्द नए विधानसभा की सौगात मिलेगी, इसकी घोषणा शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में की है। सदन की कार्यवाही स्थगित करने से पहले महाना ने बताया कि सरकार ने नए भवन के लिए वित्त वर्ष 2023-2024 के आम बजट में टोकन के तौर पर 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सरकार का लक्ष्य है कि 18वीं विधानसभा के कम से कम एक सत्र का आयोजन नए भवन में हो। मौजूदा विधान भवन काफी पुराना है, जबकि बढ़ती जरूरतों के मुताबिक स्थान कम होने और आसपास बढ़ते यातायात के दबाव को देखते हुए सरकार ने नए भवन का फैसला किया है। तो वहीं पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश को नए विधानसभा की सौगात मिलने वाली है, ये ऐलान सतीश महाना ने किया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ेंगे। विवेक, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को नई विधानसभा की सौगात मिलने वाली है। देखिए नंदनी, इसके पहले ये बातें हो चुकी थी कि उत्तर प्रदेश को बहुत जल्द ही नया विधानसभा भवन मिलने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी घोषणा पहले भी कर दी थी। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का जो मौजूदा विधानसभा भवन है उसका इतिहास 97 साल पुराना है और 15 दिसंबर 1928 को इसका उद्घाटन हुआ था। बाकायदा 1922 को इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। तत्कालीन गवर्नर हरकोर्ट बटलर ने इसका निर्माण कार्य शुरू कराया था और इस विधानसभा भवन को बनने में लगभग 6 साल लग गए थे और तब से जो है उत्तर प्रदेश में सदन की कार्रवाई इस विधानसभा में हो रही है। अब ये विधानसभा जो है, जब कल सतीश महाना जो विधानसभा अध्यक्ष है और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बात की जानकारी दी कि तकरीबन 2023-24 के आम बजट में 50 करोड़ रुपए का टोकन के रूप में जो है नए विधानसभा भवन के निर्माण कार्य के लिए मंजूर किए गए हैं और सरकार की पूरी कोशिश होगी कि जो 18वां सत्र होगा उसमें 18 जो विधानसभा होगा उसमें जो एक सत्र है कम से कम नए विधानसभा में वो कराया जाए। विवेक, नए विधानसभा में क्या क्या, विधानसभा के लिए कि जो नया विधानसभा है वो बढ़ती जी, विवेक नए विधानसभा में क्या क्या खूबियां होंगी? देखिए, नया विधानसभा जो आधुनिक चीज़ों से लैस होगा, इको फ्रेंडली होगा, भूकंप रोधी होगा और तमाम आधुनिक चीज़ों से वो लैस होगा। विधानसभा में बढ़ती संख्या के हिसाब से जगह जो है सीमित हो चुकी है, इसके लिए एक बड़ा विधान भवन बनाया जाएगा जिसमें सभी लोग भली बात समाहित हो सके और जो आसपास के, क्योंकि विधानसभा भवन के पास भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, तमाम पार्टियों के कार्यालय हैं और ट्रैफिक जो है उसकी वजह से काफ़ी बाधित होता है। तो बढ़ती ट्रैफिक के दबाव के कारण और जो इको फ्रेंडली भवन बनाने की बात कर रहे हैं, आधुनिक सुविधा से लैस होने की बात कही जा रही है, जो सीटों की बढ़ाने की बात की जा रही है, जगह सीमित इसकी बात की जा रही है, इसके दबाव में सरकार जो है एक नया विधानसभा भवन बना रही है और उम्मीद है कि 2023-24 के जो अंत में जो है ये विधान भवन बनकर तैयार हो जाएगा और कम से कम सरकार की पूरी कोशिश है कि एक विधानसभा सत्र जो है इसमें आयोजित भी किया जा सके। नंदनी जी, विवेक, नए विधानसभा बनाने के लिए कौन सी जगह को चिन्हित किया गया है, इसको लेकर क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए, अभी 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 जगह का चिन्हन होना बाकी है, जगह को भी चिन्हित नहीं किया गया है। अभी बकायदा सरकार जो है जगह का चुनाव करके प्रस्ताव भेजेगी, अभी इसमें समय है क्योंकि अभी इसी चुनाव जो है जगह का नहीं किया जाए कि कहाँ पे ये जगह जो है वो बनाई जाए, क्योंकि इसके लिए कम से कम अच्छी खासी जमीन भी उपलब्ध होनी चाहिए, ट्रैफिक एरिया से थोड़ा दूर होना चाहिए क्योंकि बढ़ती ट्रैफिक की मांग और विधान भवन में सीमित जो है वो संख्या होने के नाते जो है नए विधान भवन की बात की जा रही है। तो इसमें
जो जगह चिन्हित की बात की है, अभी इसमें जगह का चुनाव नहीं किया जा रहा है। सरकार इस जगह का चुनाव करेगी, बकायदा प्रस्ताव विधानसभा में पारित करेगी, इसके बाद जो है आगे की कार्रवाई हो पाएगी। नंदनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।